हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंडा तरी। उसको बनाने के लिए हमें चाहिए बॉयल्ड एग, एक कटोरी प्याज, एक कटोरी टमाटर और कुछ लहसुन की कलियां। बनाने के लिए हमने पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है और उसको गरम करते हैं। अब हम तेल गर्म होने के साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरे को हल्का ब्राउन होने के हल्का ब्राउन होने तक भुनेंगे। जीरे का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को लगातार हिलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भुनेंगे। इसका कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब इनको लगातार हिलाते हुए अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर अब इसको प्याज में मिक्स करेंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। पेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट। अब हम मसाले को अच्छी तरह से प्याज की ग्रेवी में मिक्स होने के लिए डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालकर हम तब तक ग्रेवी को पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। आप बॉयल्ड एग को अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में काट सकते हो। अगर आपको बड़े साइज में चाहिए तो आप इसके 2 पीस कर लीजिए, अगर छोटे साइज में चाहिए तो आप इसके 4 पीस कर सकते हैं। अब हम मसाला चेक करते हैं। मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, अब हम इसमें काटे हुए बॉयल्ड एग डालेंगे और उनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रेवी में मिक्स होने के लिए छोड़ देंगे। हल्की हाथ से चलाते हुए अच्छे से ग्रेवी और बॉयल्ड एग को मिक्स करेंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स होने के लिए
छोड़ देंगे। कवर करके इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हमारी अंडा तरी खाने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। तरी बनाने के लिए हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया था, अब हम चेक करते हैं। पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम इसको धनिया के साथ गार्निश करेंगे। हमारी अंडा तरी सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अंडा तरी बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।